मेरे चैनल चौपन फ्लेम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मटकी को अंकुरित करने का एक बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले आधा कप मोट बीन्स को एक बाउल में लेके अच्छे से धो लेंगे। इसे हम दो तीन बार पानी से धोएंगे। ये हमने अच्छे से धो ली है। अब हमें इस मटकी को 6 घंटे तक भिगो के रखना है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मोट को मैं भिगो के रखूँगी। 6 घंटे बाद आप देखोगे कि मोट अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसे अंकुरित करने रखेंगे। सबसे पहले एक बाउल लेना है, उसके ऊपर आपको एक छलनी रखनी है। आपके पास कोई भी प्लास्टिक की या फिर स्टील की कोई भी छलनी हो वो आप रख सकते हैं। और उसके ऊपर हम ये भिगोई हुई मटकी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। स्प्राउट्स बनाने के लिए नमी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये एक कॉटन का कपड़ा गीला करके लिया है। इससे हम मटकी को अच्छे से कवर कर लेंगे। मोट को अंकुरित होने के लिए थोड़ा गर्माई वाला एनवायरनमेंट अच्छा होता है, तो आप इन्हें कोई गर्म जगह पर रखें। और अभी 4-5 घंटे बाद हम देखेंगे कि मोट थोड़े से अंकुरित हो चुके हैं, लेकिन इन्हें हम और ज़्यादा अंकुरित करेंगे। इसके लिए हमें इन मोट को अच्छे से धो लेना है। इस तरह से पानी डाल के आप मोट को गीला कर ले, और फिर से जो कॉटन का जो कपड़ा था वो अभी सूख चुका होगा, तो इसे हम फिर से गीला करके उस पर रखेंगे और फिर इन्हें हम ओवरनाइट अंकुरित करने के लिए रख देंगे। दूसरे दिन सुबह आप देखोगे कि मोट अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। एकदम बढ़िया हमारे स्प्राउट्स बनके तैयार हैं। ये स्प्राउट्स आप चाट बनाने के लिए या फिर ब्रेकफास्ट में या फिर डोसा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्हें इमीडिएटली यूज़ नहीं करना चाहते तो इन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये स्प्राउट्स बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही आपको बेल आइकन दबाना है ताकि मेरे अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।